अरे क्लास में भाई किसका फोन आ गया? अरे दोस्त का फोन आ गया। हेलो। हाँ भाई, क्या एग्जाम डेट आ रही? किसकी? आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ रही? कब से एग्जाम? 16 अगस्त से। क्या बात कर रहे हो भाई, सच बता रहे हो? किसने बताया 16 अगस्त से पेपर है? अच्छा, यूट्यूब वाले मास्टर ने बताया? अच्छा, नाम नहीं बताओ रहे यूट्यूब वाले मास्टर का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 16 अगस्त से डेट है, ठीक है। अब YouTube वाले मास्टर ने बताया है भाई, तो सही बताया होगा ना? हाँ ठीक है भाई, फोन रखो, चलो तैयारी करनी है भाई। एग्जाम डेट आ रही ग्रुप डी की, ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ रही भाई। क्या क्या तैयार करना है? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब तैयार करना है। जल्दी जल्दी आप कॉपी किताब एक तरफ करो फटाक से। और अरे फिर से दोस्त का फोन आ गया। हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ? एग्जाम डेट टल गई? क्यों? अभी तो मास्टर ने बताया था 16 अगस्त से पेपर है। नहीं, एग्जाम डेट कैंसिल। अच्छा, कब से पेपर? 21 अगस्त से हो गया है। अरे यार, अभी तो 16 अगस्त था, मैंने जाने इतना पढ़ना शुरू कर दिया। भाई यही काम जो है आपकी लाइफ में चल रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, इतना बेकार है पिछले 1 महीनों से। कोई भी चैनल को उठा के देखिए, कभी कोई कहता है एग्जाम 16 अगस्त से, कभी कोई कहता है 20 अगस्त, 21 अगस्त। ढेर सारी नोटिस जो है यूट्यूब पर वायरल हो रही है। आप तो मैं बता दूं, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपके माइंड को फ्लक्चुएट किया जा रहा है। मैं आज पूरी इस बात की चर्चा करूंगा, इस बात को आपको पूरी तरह से खुलासा करूंगा कि ये कहां से नोटिस जारी होती है। रेलवे बोर्ड वाले किसी तरह की, देखो भाई, कोई नोटिस नहीं जारी करता। कभी कहते हैं कि एग्जाम 16 अगस्त से होता है, कभी कहते हैं एग्जाम 21 अगस्त से होता है। यहां तक की तो अभी एक नोटिस और वायरल हो रही है, जिसमें यह तक बता दिया गया है कि आपका जो एनटीपीसी का रिजल्ट है, एनटीपीसी की आंसर की है, वो कब आने वाला है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये नोटिस कहां से आती है मैं आपको बता दूं। कुछ जो बड़े टीचर है, अरे टीचर छोड़ो यार, मैं उनको यूट्यूबर कहता हूं, वो टीचर नहीं है कहीं के। वो लोग क्या करते हैं कि बकायदा जो है रेलवे की जैसी एक नोटिस बनाते हैं और उसको कुछ 1000 स्टूडेंटों में वायरल कर देते हैं। फिर वो 1000 स्टूडेंट जो है, वो 1000 स्टूडेंट क्या करते हैं, 10,000 स्टूडेंटों को वो नोटिस वायरल कर देते हैं। फिर वही यूट्यूबर क्या काम करते हैं, आकर यूट्यूब में आपके सामने चिल्लाएंगे कि भाई एग्जाम 16 अगस्त से होने वाला है, जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने बड़े आराम से देखा, सर एग्जाम 16 अगस्त से पढ़ना शुरू कर दिया। यूट्यूब वाले मास्टर ने बताया, मास्टर थोड़ी ना गलत बताता है। अच्छा, फिर वही यूट्यूबर क्या काम करता है, 2 दिन बाद फिर से एक वीडियो लेके आता है, उसमें यह बताता है कि वो नोटिस असली नहीं है, वो नोटिस फेक है। अबे यार, जब तुम्हें नोटिस फेक पता थी, या जो नोटिस तुम्हें 2 दिन बाद पता चली है कि वो नोटिस फेक है, तो उसे तुमने 2 दिन पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बात को बहुत सीरियस समझिएगा। तुम्हें मतलब 2 दिन पहले ये पता चलता है कि रेलवे ने नोटिस जारी की है एग्जाम 16 अगस्त से, और 2 दिन बाद तुम खुद कहते हो कि एग्जाम 16 अगस्त से नहीं, नोटिस फेक है। इसका मतलब ये है ना कि यही काम अगर तुम 2 दिन पहले कर लेते तो कम से कम बच्चों को भ्रमित तो नहीं होना पड़ता। बच्चों का माइंड जो है ना, कभी कहता है एग्जाम 16 अगस्त से है, बच्चा दौड़ना शुरू, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार। उसके बाद फिर इन लोगों से कुछ मन नहीं भरता। उन्होंने सोचा, अरे यार बहुत दिनों से ग्रुप डी का हंगामा नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपने यहां से एक और नोटिस वायरल करते हैं। फिर ये लोग एक नोटिस बनाते हैं और लिख देते हैं कि एग्जाम 21 अगस्त से होने वाला है। ठीक है, एग्जाम 21 अगस्त से। वही लोग फिर से बोलेंगे कि एग्जाम को 21 अगस्त से होना है, और 2-3 दिन बाद फिर से वही लोग आपके सामने एक वीडियो लेके सामने आ जाते हैं, कहते वो नोटिस फेक थी, एग्जाम तो 21 अगस्त से हो रही नहीं। मतलब इतनी बुरी तरीके से गंदगी मचा के रखी है कि ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम डेट से इनका जो है जी नहीं भरता है, तो इन लोगों ने एक काम और कर दिया। अभी एक नोटिस और वायरल हो रही है, जिसमें जो है ग्रुप डी की एग्जाम डेट तो दी ही रही है, उसके साथ साथ एनटीपीसी की आंसर की, एनटीपीसी का रिजल्ट, यहां तक कि ये भी बता दिया। अभी वो लोग फिर से आपके सामने आएंगे कि एनटीपीसी की आंसर की रिजल्ट इस दिन आने वाला है, इस डेट को आने वाला है, और 2 दिन बाद देखिएगा फिर वही लोग आएंगे आपके सामने और कहेंगे वो नोटिस फेक थी। अबे यार, जब फेक थी तो क्यों लोगों को चूतिया बना रहे हो? जो बात तुम्हें 2 दिन बाद पता चल रही है, वो बात तुम्हें 2 दिन पहले भी तो पता चल सकती है। क्या आपके पास कोई दिमाग नहीं है? मतलब इस तरह की गंदगी मचा के रखी है बच्चों के दिमाग में कि बच्चा साला ये नहीं सोच पा रहा है कि वो पढ़े कि अभी पढ़ाई बंद करके रख दे। तो मैं इस बात के लिए
उन यूट्यूबर को वार्न करता हूं कि फर्जी की नोटिस जो अपने अपने ही क्लास में बनाते हैं, अपने ही कह सकते हो कि अपने घर में इस नोटिस को बनाने के बाद कुछ हजार स्टूडेंटों में वायरल कर दी जाती है, वो हजार स्टूडेंट 10,000 स्टूडेंटों में वायरल करते और फिर आके चिल्लाते ये नोटिस फेक थी। ये काम भाई करना छोड़ दो। और बच्चों से भी एक चीज की रिक्वेस्ट ये है कि फर्जी की इन नोटिस पे आपको ध्यान नहीं देना। सीधी सीधी बात ये समझिए, जो भी ग्रुप डीटी या रेलवे की ऑफिशियल साइट में आता है भाई साहब, बस उसी को माना कीजिए। अरे कभी रेलवे की ऑफिशियल साइट में देखो, साफ साफ लिखा रहता है धोखे बाजों और नकली आदमियों से सावधान रहो। और वही ये जो 16 अगस्त और 21 अगस्त नोटिस आपको बताते हैं ना, यही वो धोखेबाज हैं जिनके बारे में आपका रेलवे पिछले 10 सालों से कह रहा है। और मैं ये समझता हूं ये कौन है यूट्यूबर, ये कौन है जो आपको बार बार 16 और 21 अगस्त बताते, किसी तरीके की कोई ऑफिशियल साइट में आता भी नहीं है और ये लोग चिल्लाने चले आते हैं कि एग्जाम 16 से 21 से। मैंने इस तरह की कोई भी नोटिस, अरे मुझे भी नोटिस मिलती है, मैं भी आ सकता, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ये नोटिस कौन सी आरआरबी की साइट पर आई है। बिना कुछ चेक किए हुए आके मुंह फाड़ दिया जाता है क्या? तो ये काम करना भाई सब बंद कर दो। साथ साथ बच्चों लोग बस इस बात पर ध्यान दीजिए, आप खुद सोचो जब ग्रुप डीटा एग्जाम डेट आएगी, इतना बड़ा एग्जाम है, आपको कुछ घंटों में पता चल जाएगा, सिर्फ कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है, इस आरआरबी की साइट पर है। आप लोग क्यों परेशान होते हो भाई? आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 सालों से रेलवे यही कह रहा है धोखेबाजों से सावधान रहो, वो इसी समय के लिए उसने बोल रखा है, ठीक है ना? तो किसी भी तरीके की कोई भी अभी एग्जाम डेट ऑफिशियल नहीं है। जब एग्जाम डेट ऑफिशियल आएगी आपको कुछ घंटों में पता चल जाएगा, मुझसे पता चले या किसी और टीचर से पता चले, उसको क्रॉस वेरीफाई करना ये आपका काम है। किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करना दोस्त, ठीक है ना? तो फर्जी की इन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो देखिएगा आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बस जो आपके सब्जेक्ट हो उसे प्रॉपर पढ़ते रहिए, एग्जाम जब होगा तो होगा, वो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं आरआरबी का जो चेयरमैन है वो चूतिया नहीं है। मैंने अभी देखा जब पिछली बार एनटीपीसी की डेट जो है आरआरबी के चेयरमैन ने खुद दिसंबर में बोली थी, तो लोग उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे कि दिसंबर में पेपर होगा, उनने कहा कोरोना है, उनने कहा ये। अरे आरआरबी का चेयरमैन जब बोल रहा है तो अभी तो वो मानो ना। कुछ यूट्यूबर कहने लगे कि दिसंबर में तो भैया इस सीस्ट एग्जाम है, पेपर कैसे हो सकता है ग्रुप डी का, दिसंबर में ये, दिसंबर में वो, मतलब वो सब लोड आपके सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेलते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से खेलते हैं। और ये केवल इसलिए हो पाता है क्योंकि आप अपने दिमाग में आने के लिए जो रास्ता है ना वो खोल रहे हो उनके लिए। तो भाई अपने आप को थोड़ा संभालो, अपने अपने एग्जाम पे केवल फोकस कीजिए, नहीं तो देखिएगा अभी तो इन्होंने एनटीपीसी की डेट और रिजल्ट को अनाउंस डेट कर दिया कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, इस डेट को आंसर टी आएगी। कुछ दिनों बाद देखिएगा ये भी दे कि आंसर टी और रिजल्ट आ चुका है, और देख लीजिए ना ऑफिशियल साइट पे कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सर छोड़ो, कुछ दिनों बाद देखिएगा आपको नोटिस मिलेगी सर एग्जाम 30 अगस्त से होने वाला है, फिर 2 दिन बाद वो खुद आके चिल्लाएंगे कि नोटिस फेक है, क्योंकि नोटिस उनके घर में बन रही है ना, और जान बूझ के उसमें थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं ताकि आपको ये बता सके कि देख लो ये जो ग्रामेटिकल इमर है इरर है या फिर ये लोगो गलत है, किसी भी तरीके की मिस्टेक वो जान बूझ के करते हैं। तो भाई आप सब लोग इस बात को समझो, नहीं तो देखिएगा आप सब लोगों के माइंड से खेला जा रहा है, आप सबके माइंड को फ्लक्चुएट किया जा रहा है। कभी माइंड को ये सिग्नल दिया जाता है कि पढ़ना शुरू कर दो एग्जाम आ चुका, और कभी ये सिग्नल दिया जाता है कि भाई अभी आराम कर लो वो नोटिस फेक थी, ठीक है? तो इसी वजह से मुझे इस तरह का कोई वीडियो बनाना पड़ा है, नहीं तो मैं ज्यादा नोटिस वोटिस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं केवल पढ़ाने पे ही ध्यान देता हूं, ठीक है? चलो फिर, अगर आपको ये बात समझ में आई है, अगर इस बात से आप पूरी तरीके से हो, आप कह सकते हो कि इत्तेफाक रखते हो, तो ज्यादातर बच्चों को ये शेयर कर देना ताकि वो सब लोग भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इधर उधर के पछड़े में ना पड़े कि 16 अगस्त है कि 21 अगस्त है, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।